हेलो, आपने अक्सर न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल पे पढ़ा होगा कि कोई महिलाएं आत्महत्या कर लेती है अपनी अपने ससुराल वालों से तंग आकर, जो कि उन्हें दहेज के लिए बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। या फिर बाल विवाह के बारे में आपने न्यूज़ में सुना होगा, या फिर फोर्स्ड मैरिजेस, जिसका अर्थ होता है ज़बरदस्ती किसी के इच्छा के खिलाफ विवाह करना। तो इसके बारे में हम जानेंगे। मैं मुग्धा आपको इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डाउरी सिस्टम या फिर दहेज सिस्टम के बारे में। तो दहेज सिस्टम में आपने अक्सर देखा होगा कि शादियों में लड़के वाले लड़की लड़की वालों से या फिर लड़की से किसी बड़े वस्तुओं की मांग करते हैं, जैसे कि कार या फिर दहेज में पैसे या फिर सोना या फिर प्रॉपर्टी। तो ये लेना या देना दोनों भी गैर कानूनी है, इलीगल है, और इस चीज़ को आप बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। और अगर ये आपके आसपास होता है या फिर आपके साथ होता है, तो आप इसके खिलाफ़ कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे देश में, वो भी हम जानेंगे आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स ऑफ डाउरी सिस्टम के बारे में, जो कि होता है कि बीते हुए सालों में कितनी औरतों की मौत हुई है सिर्फ़ और सिर्फ दहेज के कारण। तो 2010 में ये रिपोर्ट आई थी कि 8,391 महिलाओं की मौत हुई है सिर्फ़ और सिर्फ दहेज के कारण। तो इस चीज़ का कारण ये हो सकता है कि एक तो वो महिलाएं अपने ससुराल वालों से तंग आकर खुद ही आत्महत्या या फिर खुद खुद की जान ले लेती हैं, या फिर उसके ससुराल वाले उसे ज़िंदा जला देते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है, और अगर आप इसके शिकार बनते हैं या कोई अपने को देखते हैं इसका शिकार बनते हुए, तो तुरंत अपने पुलिस स्टेशन आसपास के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवाएं, जिसके बारे में जो आर्टिकल्स उसके अंदर आते हैं उसके बारे में। तो हम आगे बात करेंगे इसके आर्टिकल्स के बारे में, कौन से आर्टिकल्स के इसके खिलाफ है। तो पहले हम बात करेंगे धारा नंबर 498 या फिर आर्टिकल नंबर 498A के बारे में। तो इस धारा में ऐसे केसेस आती हैं जहाँ पर महिलाएं खुद तंग आकर अपने आप की जान लेने की कोशिश करती है या फिर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें ससुराल वालों ने ताने मार के या फिर बार बार ये बोल के तंग किया है कि तुम्हारे दहेज में बहुत कम पैसा आया है या फिर ऐसा ही कुछ। तो इसके खिलाफ़ आप अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, जो कि आती है 498A की धारा के अंदर। और इस धारा के अंदर अगर ये प्रूफ हो गया कि आपको तंग किया जा रहा है, तो इसकी सज़ा होती है पूरे ससुराल वालों को उम्र कैद, जो कि अनबेलेबल होती है, जो कि पैसे देकर उनको वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो अगला आर्टिकल है 304B। इस आर्टिकल के अंदर ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर अगर ससुराल वालों ने किसी महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की हो, तो इसमें सज़ा ये होती है कि पूरे ससुराल वालों को उम्र कैद होती है। तो अगला आर्टिकल है 406। इस आर्टिकल में ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर महिलाओं के पति उनसे झगड़ा करके बार बार कहते हैं कि तुम अपने घर वालों से पैसे लाओ। तो अगर ये उनके खिलाफ़ प्रूफ हो गया, तो उनके पति और पूरे घर वालों को 3 साल की सज़ा होती है, और कुछ जुर्माना भी भरना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन कितने पैसों की मांग की थी उन्होंने। तो मैं इसी इससे रिलेटेड आपको एक एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहूँगी।
एक 22 साल की महिला अपने नए घर मतलब ससुराल में गई थी शादी होकर, तो उस दहेज तो मांगा ही गया, और उसके पति और बाकी ससुराल वाले उसके दिए गए दहेज से खुश नहीं थे, तो उसे ज़िंदा जला दिया गया। और वो 90% तो जल चुकी थी, लेकिन उसके मायके वालों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई, तो ये ससुराल वालों को आर्टिकल 304B के खिलाफ उम्र कैद हुई। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप कृपया करके अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ रजिस्टर करवाएं अपनी कंप्लेन। तो आगे हम बात करेंगे बाल विवाह या फिर चाइल्ड मैरिज के बारे में। अगर किसी लड़की का विवाह 18 साल से पहले होता है, और इसी के साथ अगर किसी लड़के का विवाह 21 साल से पहले होता है, तो इसे बाल विवाह कहा जाता है, और ये भी कानूनी प्रकार से इलीगल है या फिर गैर कानूनी है। तो आगे हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स बाल विवाह के। तो इसमें कौन से स्टेट्स सबसे ऊपर है बाल विवाह में। तो पहला नंबर है उत्तर प्रदेश का, दूसरा नंबर है राजस्थान का, और तीसरा नंबर है मध्य प्रदेश का। तो सबसे ज़्यादा बाल विवाह देखे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे है 13 लाख से ज़्यादा बाल विवाह होते हैं अभी भी। और इसके बाद राजस्थान में होते हैं 7.5 लाख, जबकि मध्य प्रदेश में होते हैं 5 लाख। अपराधी कौन 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 हो सकते हैं? जो भी इस विवाह में शामिल हुए हैं, जैसे कि पंडित जी जो कि इनकी शादी करवा रहे हैं, और वर और वधु के माता पिता जो कि उन बच्चों की शादी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। और इस चीज़ की सज़ा होती है 2 साल का कारावास और कुछ दंड, जैसे कि 1 लाख रुपए का दंड मतलब जुर्माना भरना पड़ा। और चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर अगर ये कंप्लेंट आपके खिलाफ़ लगती है, तो ये इसमें किसी भी प्रकार का वारंट नहीं लगेगा आपको अरेस्ट करने के लिए, और ये अनबेलेबल है, मतलब आपको 2 साल की सज़ा तो बिल्कुल होगी ही होगी। गरीब लोगों की बच्चियां हैं, उनकी चाइल्ड मैरिज अभी लॉकडाउन के कारण बढ़ गई है, क्योंकि गरीबी बढ़ गई है। आपके आसपास अगर ऐसा चाइल्ड मैरिज या फिर बाल विवाह ऐसा कुछ होता है, तो आप तुरंत अपने पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाएं। तो अभी हम आगे बात करेंगे फोर्सफुल मैरिज, या फिर अगर आपकी शादी या किसी की भी शादी ज़बरदस्ती होती है, जिसका मतलब है कि अगर दोनों भी पार्टी जो शादी में भाग ले रहे हैं वो खुश नहीं है इस शादी से, और उनकी ज़बरदस्ती अपने माता पिता से या फिर कोई इंसान करवाता है ज़बरदस्ती शादी, तो इसे फोर्स मैरिजेस कहते हैं, और ये इलीगल भी है भारत में। पहले हम बात करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। अगर आप लड़की हो और आपकी शादी 18 साल की उम्र से पहले होती है, और वो भी ज़बरदस्ती, तो आपके जो भी आपको ज़बरदस्ती कर रहा है उनके खिलाफ़ आप कंप्लेंट लिखवा सकते हो चाइल्ड मैरिज एक्ट के खिलाफ़, जिसमें कि 2 साल की सज़ा और कुछ फ़ाइन मतलब जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और अगर आप लड़के हो और आपकी शादी ज़बरदस्ती 21 साल से पहले करवाना चाहते हैं, तो इसमें भी यही अप्लाई होता है। और इसमें नेक्स्ट एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें आप लॉयर के हेल्प से आप किसी कोर्ट में ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कि आपको इस शादी में या किसी भी शादी में फोर्स किया जा रहा है अपने पेरेंट्स के खिलाफ या फिर अपने रिलेटिव्स के खिलाफ, जिसमें आपकी जो मैरिज है वो रुक जाएगी, आपकी फोर्स्ड मैरिज रुक जाएगी।
और नंबर थ्री, आप नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को कंप्लेन कर सकते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ये एक बॉडी है जो कि गवर्नमेंट के नीचे है, जो कि ये देखती है कि जितने भी लॉज वुमेन के या फिर महिलाओं के लिए बनाए गए हैं वो अच्छे से फॉलो किए जाते हैं कि नहीं। और अगर आप इसे अप्रोच करते हैं या इनके पास जाते हैं और इसके खिलाफ कंप्लेन डालते हैं अपने ज़बरदस्ती शादी के खिलाफ, तो ये आपको ज़रूर मदद करेंगे और इस ज़बरदस्ती शादी को भी रोक देंगे। तो मुझे लगता है कि आपको आपके कुछ राइट्स या फिर कुछ आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार आपको कुछ पता चले होंगे। और अगर आप ऐसा इसमें से इन तीनों में से कुछ भी अपने आसपास देखते हैं और आपको ये बिल्कुल भी गलत लगता है, तो आप प्लीज़ अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट लिखवाएं और इसको बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। थैंक यू।